तो आज मैं शेयर करूंगी प्रोटीन फाइबर और विटामिन से भरपूर सैलेड की रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम शिमला मिर्च को चॉप करेंगे, क्योंकि इसमें विटामिन के साथ साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पर मैं लाल और हरी दोनों शिमला मिर्च डाल रही हूँ, तो इसे कच्चा ना डाले, इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के लिए हम कटी हुई शिमला मिर्च को एक छन्नी में रखेंगे और सॉसपैन में पानी गर्म करके इसे कवर करके 5 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेंगे। साथ ही हम एक खीरा ऐड करेंगे। खीरा हड्डियों के साथ साथ डायबिटीज में भी फायदेमंद है और ये डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। इसे मैंने बिना छीले हुए डाला है, आप अगर इसे छीलना चाहें तो छील सकते हैं। गाजर ये गुणों का खाना है, जैसा कि आपको पता है ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ दिल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें पोटेशियम भारी मात्रा में होती है और ये पेट के लिए भी अच्छा है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के बीज वाले भाग को आप सैलेड में बिल्कुल ना डालें, ये पेट के लिए नुकसानदायक होता है। इसके अलावा अगर और कोई सब्जियां आप ऐड करना चाहें जैसे कि ब्रोकली, बीटरूट, तो कर सकते हैं। अब इन कटी हुई सब्जियों को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम थोड़े से पुदीने के पत्तियों को बारीक कट करके डाल देंगे, क्योंकि इससे टेस्ट तो आता ही है, साथ साथ ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और ये गर्मियों में लू से बचाता है। अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती भी कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि इससे सैलेड का टेस्ट और बढ़ जाता है। अगर आप डालना चाहें डालें, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा प्याज भी कट करके डालेंगे, क्योंकि इसमें विटामिन्स के साथ साथ जिंक, पोटेशियम, कॉपर, फाइबर और आयरन भी होते हैं। शिमला मिर्च भी इधर स्टीम हो चुका है, तो इसे भी हम इस बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बोल मूंग के स्प्राउट। इसके तो अनगिनत फायदे हैं। ये वेट लॉस में भी मदद करता है, इसमें विटामिन सी होता है और ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। अब चने के स्प्राउट के साथ साथ थोड़ा सा ड्राई रोस्ट मूंगफली भी डालेंगे, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है और टेस्ट में भी सैलेड में अच्छा लगता है। सबसे लास्ट में हम डालेंगे कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर पनीर। अब हम सैलेड के ड्रेसिंग के लिए लेंगे एक बॉल में थोड़े से ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल अगर आपके पास ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लेमन जूस, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और सैलेड में डाल देंगे। सैलेड में डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। वैसे तो ये सैलेड तैयार है। अगर आपको चटपटा टेस्ट चाहिए तो इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला देना है। इस तरह से प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर सैलेड तैयार है। इसे आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।